तो बॉलीवुड एक और लव स्टोरी के साथ हमारे सामने आ गया। बॉलीवुड ने वैसे कसम खा रखी है कि यार भारत की जनता को जो है ये एक लव स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा दिखते रहना चाहिए और इनको एक सपनों की दुनिया में खोए रहने देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गिन्नी वेड सनी मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। टोटल ये 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है पुनीत खन्ना ने। इसके अंदर कास्ट है यामी गौतम, विक्रांत मैसी, राजीव गुप्ता, आयशा राजा और बाकी अन्य कलाकार। कहानी की बात करते हैं, सनी नाम का एक लड़का जो है वो रेस्टोरेंट करना चाहता है, बट उसके पिता की एक शर्त होती है, बेटा तू रेस्टोरेंट तो कर लियो बट उससे पहले शादी कर ले। तो सनी बहुत ट्राई करता है शादी करने की, किसी लड़की से कोई उसकी बात मान जाए, बट उसे कोई बात नहीं मानता। तो थक हार के अपने पिता को ही कहता है कि पिताश्री प्लीज आप ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लो, अरेंज मैरिज ही कर लूंगा। तो इसके पिताश्री जाते हैं एक जो उसके पड़ोस में ही जो एक लेडी होती है जो शादी जो मतलब शादी के रिश्ते जो करवाती हैं ये सब चीज़ें करवाती हैं, और उसी लेडी की एक बेटी होती है गिन्नी। अब गिन्नी जो होती है उसकी माँ भी चाहती है कि इस गिन्नी की भी शादी हो जाए और वो भी उसके लिए लड़के ढूंढ रही है, बट उसको चाहिए कि भाई वो जिससे प्यार करती है, जिसके साथ वो लव करती है उसकी के साथ उसकी शादी, और वो एक लड़का जो होता है निशांत उससे वो प्यार करती है, बट निशांत जो होता है उसको बार बार टाले जा रहा है कि उसे शादी नहीं करनी है, अभी जो उम्र है वो खेलने कूदने की, अभी शादी ब्याह रचाने की उम्र थोड़ी है। तो गिन्नी इस बात से भी बहुत परेशान है और मतलब कंफ्यूज भी बहुत है यार, ये जो बंदा है उसके साथ निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा, और इस बात को लेकर गिन्नी की माँ भी परेशान है यार गिन्नी कब उसकी बात मानेगी। तो जब सन्नी के पिता इसके पास जाते हैं गिन्नी की माँ के पास और उसको बताते हैं कि उसके बेटे के लिए ऐसी कोई लड़की ढूंढ के दो ताकि इसके साथ अपना मतलब जीवन यापन कर सके, तो गिन्नी की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये आता है कि भाई साहब सन्नी को क्यों ना उसकी बेटी के साथ शादी करा दिया जाए। अब एक तरीके से सन्नी तो बचपन से उसका क्रश था गिन्नी, तो यार समझ लो यार क्या वो वर्ड होता है कि बचपन से जिसका आप बचपन क्या 7th 8th 9th 10th में जो आपके साथ एक लड़की पढ़ी और उसका आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, आपको क्या पूरे स्कूल को पसंद थी और अचानक से वो आपकी वाइफ बनने वाली है, तो ऐसी पता चल जाए तो खुशी कितनी होती है यार। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वो चीज़। तो गिन्नी की माँ सन्नी को टिप्स देना स्टार्ट करती है कि बेटा तो ये चीज़ें कर ले जिससे गिन्नी इंप्रेस हो जाएगी और तेरी बात मान के तुझसे शादी कर लेगी, और सन्नी वो चीज़ें करता भी है और जिससे गिन्नी को एहसास होता है कि सन्नी बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है जो उसकी बहुत अच्छे ख्याल रखेगी। प्यारा तो मैं भी हूँ यार, और उसकी बातों पे यकीन करके उससे शादी के लिए हाँ करनी ही वाली होती है कि तभी ऐसा तो नहीं है ना कि यार सारी चीज़ें एकदम फ्लॉलेस चलेंगी, अगर कोई ट्विस्ट नहीं आएगा तो यार बात कैसे बनेगी। तो ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट यहाँ आता है निशांत को यह एहसास हो चुका होता है कि भाई कि उसकी जो लाइफ है बिना गिन्नी के नहीं चलने वाली है, गिन्नी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अचानक से इन दोनों के बीच में आता है, उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, प्रपोज करते उसके घर पर अपने माता पिता को भी ले आता है। कमाल की बात है, इतना फास्ट और सुधर गया होता है, सब बातें मानने लग जाता है गिन्नी की, मत जो तू कहेगी वो कर दूंगा, मतलब ट्विस्ट तो लाना था ना, तो एकदम से ट्विस्ट यही होता है। और फिर गिन्नी का हो जाता है दिमाग खराब, भाई साहब वो किसको चुने, निशांत को चुने या फिर सन्नी को चुने, और फिर गिन्नी को ये भी पता चलता है कि गिन्नी की माँ ने जो सन्नी को उसके पीछे लगाया था इंप्रेस करने के लिए उसको टिप्स दी थी, जिससे भाई साहब इसका होता है दिमाग बहुत भयंकर खराब और उनके बीच में लड़ाई होती है सन्नी और गिन्नी के बीच में, और सन्नी इसमें गुस्सा आके किसी और लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है, और इवन शादी होने वाली ही होती है तभी गिन्नी और सन्नी को एहसास होता है कि यार वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो किसी और से शादी कैसे होने देगी, या फिर वो सन्नी जो किसी और से शादी कैसे करेगा। तो ये फिर से एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, बीच में थोड़ी बहुत रुकावट आती है बट वो रुकावट दूर हो जाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब ये मत बोलना मैंने पूरी कहानी बता दी, स्पॉइलर दे दिया, तू साले बहुत खराब है, ऐसी चीजें कौन करता है रिव्यू के चैनल में। तो मैं एक चीज बता दूं यार, ये एक कॉमेडी मूवी है और एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल मूवी है, लव स्टोरी है, तुम्हें पता है एंडिंग में क्या होने वाला है। इवन एक अंधे को अगर तुम ये बताओ ना, एक ट्रेलर दिखा के ट्रेलर की भी स्टोरी बता दो ना, तो वो भी ये बता देगा कि भाई इसके एंडिंग में ये होने वाला है, हीरो हीरोइन के साथ शादी करेगा, खुश रहेगा, यही हैप्पी एंडिंग है और यही होने वाला है। इसमें मैंने बता दिया तो कौन सा गलत कर दिया। अब देखो कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। अच्छी बात ये है कि 1 घंटे तक यानी फर्स्ट हाफ तक ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी आती है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नए नए डायलॉग सुनने को मिलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हंसी आती है, बट हाफ के बाद ये भाई साहब बोर करने लग जाती है। बोर किस लिए, क्योंकि लड़ाई हो चुकी होती है, फिर उस लड़की को कैसे मनाना, उस लड़के को कैसे बनाना, लास्ट में क्या होना, ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं, और हमें पता होता है कि लास्ट में क्या होने वाला है, तो क्या तुक बनता है उस बात का। परफॉर्मेंस अच्छी है, ओल्ड स्टोरी है, डायलॉग अच्छे हैं, बट कहानी तो प्रेडिक्टेबल है यार, उसका क्या अचार डालेंगे, कहानी तो अच्छी होनी चाहिए थी। हाँ तुम में से बहुत कहेंगे अबे तुझे क्या पता। देखो यार मेरा तो सीधा सा फंडा है, अगर कहानी अच्छी है तो यार मजा आएगा, बट कहानी तुम ओल्ड लेके आए जिसमें प्रिडिक्टेबल कहानी, तो मैं उसमें कहाँ से इंजॉयमेंट ढूंढ लूंगा यार। एक टाइम तक, एक लिमिट तक, हाफ टाइम तक तो अच्छी रही जिसमें कॉमेडी उसको इंप्रेस करना था, ये काफी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद तो भाई साहब वो उसकी बन जाती है, फिर मैं वो बात दोहराना भी नहीं चाहता हूँ यार।
पता मेरे हिसाब से एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से तो यार तो लड़के को मार देना चाहिए था लास्ट में, या तो लड़की को मार देना चाहिए था, कसम से कुछ तो इंटरेस्टिंग बनता ना उसमें, मुझे नहीं पता क्या बनता बट बनता है एटलीस्ट। पता नहीं यार ये कब तक ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर हमारे सामने आते रहेंगे यार, तुम कुछ नया तो ट्राई करो यार कम से कम। अच्छी बात है उसके अंदर कॉमेडी थी बट कॉन्सेप्ट तो वही था ना यार, अब ये थोड़ना है कि कैसे बोलूँ उसको, चलो छोड़ो छोड़ो यार, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5.5 आउट ऑफ 10 सर। अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं उसको तो यही कहूँगा कि यार हाफ देख लेना, हाफ में कॉमेडी है बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हाफ के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई मज़ा आने वाला, तुम बोर ही होगे। और जिन्होंने देख ली है तो बता देना तुम्हें कैसी लगी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स तो अपना ओपन ही रहता है, गालियों के लिए स्वागत है भाई साहब, कर लिख देना जो तुम्हारे मन में। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।